नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। टीवी एक्ट्रेस हेतल यादव के फैंस के लिए शॉकिंग खबर सामने आई है। टीवी की मोस्ट फेमस शो इमली में शिवानी राणा का किरदार निभाने वाली हेतल का कार एक्सीडेंट हो गया है। रविवार रात को शूटिंग से घर लौटते समय हेतल की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि घबराने की बात नहीं है, हेतल सुरक्षित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार की रात हेतल अपनी शूटिंग पूरी करके घर वापस आ रही थी। वो अपनी कार को खुद ही ड्राइव कर रही थी, तभी एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। एक्ट्रेस ने अब एक इंटरव्यू में अपने एक्सीडेंट के बारे में बात करके जानकारी दी है। हेतल यादव ने बताया, मैंने रात करीब 8:45 पर पैकअप किया, जिसके बाद मैं फिल्म सिटी से घर के लिए निकली। मैं जैसे ही JVLR हाईवे पर पहुंची तो एक ट्रक ने मेरी कार को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक मेरी कार को धक्का मारते हुए किनारे तक ले गया। मेरी कार गिरने ही वाली थी कि मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कार को रोका और अपने बेटे को कॉल की। मैंने अपने बेटे से पुलिस को इस बारे में सूचना देने को कहा, क्योंकि इस हादसे के बाद मैं शॉक में थी। हालांकि इस हादसे में हेतल को चोट नहीं आई, उन्होंने इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा भी किया है। एक्ट्रेस ने कहा, शुक्र की बात है कि मुझे चोट नहीं आई, लेकिन वो सदमे में है। हेतल की बात करें तो वो इन दिनों शिवानी राणा बनकर इमली शो में फैंस को इम्प्रेस कर रही हैं और वे टेलीविजन की दुनिया का बड़ा नाम है। हेतल पिछले 25 सालों से एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ज्वाला के किरदार से मिली थी। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।